A warm welcome to all of you in ITLS Academy. हम अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में पढ़ेंगे मशरूम प्रोडक्शन की गाइडलाइंस। कि मशरूम की जब हम मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं तो किस किस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं वो हम अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू मशरूम की मशरूम क्या होता है। सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मशरूम। मशरूम इज अ फंजाई प्रोड्यूसर। मशरूम इज अ फंजाई प्रोड्यूसिंग अ फ्लैसी फ्रूटी बॉडी स्पेशली टू अ स्टॉक विद इन अ अम्ब्रेला कैप। इट हैज अ टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द पाइलस अटैच विद अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज माइसीरिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम and this is a cap-like structure known as the pilus and this is the thread-like structure this is known as the mycelia. Mycelia absorb the nutrients from soil. It do not require sunlight for their growth. This is the mycelia. Mycelia does not require sunlight for their growth. Next, what is mushroom? A mushroom is a broad straw and fleshy spore bearing fruiting body of a fungus typically producing above ground on a soil on a it's a fruit source. ये जो मशरूम है मशरूम एक फंगस है और इसकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा फ्लैसी होती है और ये जो मशरूम है इसको हम जो हमारी सॉइल होती है उस पे सॉइल को ग्राउंड पे सॉइल लेते हैं सॉइल को ग्राउंड पे हम अच्छे से फैला देते हैं और उसमें फिर से हमारे मशरूम का प्रोडक्शन होता है और इस मशरूम को हम एज अ फूड सोर्स भी यूज कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर द नेम मशरूम इज कल्टीवेटेड वाइट वाटर मशरूम एग्रेशियस विस्पोरस। ये जो मशरूम है इसको हम जो हमारी फूड सोर्स जो मशरूम को हम फूड सोर्स की तरह यूज करते हैं उसको हम वाइट बटन मशरूम भी बोलते हैं। एक मशरूम है हमारी एगाइरस विस्पोरस। हिंस द वर्ड मशरूम इज मोस्ट ऑफन अप्लाइड टू द फंगस टू अप्लाइड टू दोस फंगस नेम इज वेस्टिडियोमाइकोटा आर्जिकोमाइसिटस। दीज हैव द स्टेम स्टाइप एंड कैप पाइलस एंड गिल्स lamella sings and lamella on the understanding of a cap. Mushroom also describe a variety of other gilled fungi with or without stems. Therefore, the stem is used to describe the fleshy fruity body of some ascomyta. These gills producing microscopic spores that help the fungus spread across the ground and its aquatic surface. जो मशरूम होती है जो उसके गिल्स होते हैं वो जो गिल्स होते हैं वो मशरूम को जो ग्राउंड होती है उसको स्प्रेड होने के लिए और ग्रोथ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होता है हमारे मशरूम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मशरूम की मशरूम कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी ओइस्टर मशरूम। नेक्स्ट है स्ट्रॉ मशरूम रेशमी मशरूम एंकोटेक मशरूम सीटेक मशरूम एंड वर्ड एरर मशरूम। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ मशरूम। दीज देयर आर अराउंड 2000 एडिबल वैरायटी ऑफ मशरूम बट ओनली अ हैंडफुल आर अवेलेबल ऑन अमेरिकन मार्केट। दे इंक्लूड्स जैसे जो मशरूम है उसकी एटलीस्ट 2000 वैरायटी हैं जिनको हम एज अ फूड सोर्स यूज कर सकते हैं लेकिन जो हमारा अमेरिकन मार्केट्स है उसमें कुछ ही वैरायटी मशरूम की प्रेजेंट है और वो वैरायटी कुछ हैं जैसे व्हाइट एंड वाटर मशरूम ब्राउन क्रिस्मी मशरूम प्रोटोबियल सीटेक ऑयस्टर वर्डवार इकोइक। ये कुछ मशरूम की वैरायटीज हैं जो हमारे अमेरिकन मार्केट में प्रेजेंट है। सीरियल वैरायटी अवेलेबल इन फार्मर्स मार्केट एंड सम
ग्रोसरी स्टोर। इसके अलावा कुछ ग्रोसरी स्टोर्स पे भी हमारी मशरूम्स प्रेजेंट मशरूम अवेलेबल होती हैं, वो है हमारी मोरल मशरूम एंड कैंटीरेला मशरूम। सम पीपल पिक वाइल्ड मशरूम बट इट इज एसेंशियल टू नो व्हाट आर एडिबल एंड सम कंटेन द डेडली टॉक्सिक। मतलब जितनी भी मशरूम्स होती हैं वो सारी मशरूम एडिबल नहीं होती हैं। कुछ मशरूम बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी होती हैं, जो मे बी जिनको इनटेक करने से हमारी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। दिस इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द पाइलस। इन कैप लाइक स्ट्रक्चर दिस इज द स्कैपल्स। दिस इज द रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज द एनोल्स। दीज आर द गिल्स। दीज गिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मशरूम ऑन अ ग्राउंड। दीज आर द स्टेम। दिस इज द कैप वॉल्वा। दिस इज द माइसीलियम थ्रेड एंड दिस पार्ट इज नोन एज कैप पार्ट एंड दिस पार्ट इज नोन एज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द माइसीलिया एंड दिस पार्ट इज दिस एंड दिस पार्ट ऑफ मशरूम इज नॉट रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। वॉट इज द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ मशरूम। कि जो मशरूम होता है उसे हम एडिबल के फॉर्म में यूज करते हैं, एडिबल फूड के फॉर्म में एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं, तो अब उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती हैं, तभी हम इसको एज अ न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में लेते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। मशरूम आर द एडिबल फंगस दैट कैन प्रोवाइड द सेवरल इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। जो एडिबल मशरूम्स होती हैं उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। द मेनी काइंड ऑफ मशरूम हैविंग अ कंपोजिशन एंड न्यूट्रिएशन प्रोफाइल्स। इन 2015 ईच पर्सन इन अ यूनाइटेड स्टेट कंज्यूम्ड ऑन एवरेज अराउंड द 3 पाउंड ऑफ मशरूम अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मार्केट रिसर्च सेंटर। एक 2025 में एक सर्वे हुआ था और वो सर्वे किया गया था एग्रीकल्चर मार्केट रिसोर्स सेंटर के द्वारा, और उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि जो यूनाइटेड स्टेट होती है उसमें पर पर्सन डेली 3 पाउंड मशरूम को इनटेक करता है। बियॉन्ड द डाउट डाइट मशरूम फीचर्स इन अ सम टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो मशरूम है इसे हम एज अ फूड सोर्स भी यूज करते हैं, इसके अलावा हम इसे कुछ हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन भी होती हैं जिसमें हम मशरूम का यूज करते हैं। मशरूम आर अ लो इन कैलोरी। मशरूम में जो कैलोरीज होती है वो काफी कम होती हैं, लेकिन जो फाइबर्स होते हैं वो काफी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंड कंटेन सम इम्पोर्टेंट विटामिन मिनरल्स। इसके अलावा कुछ विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं एंड मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सम ऑल्सो हैव अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी सच एज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा देखिए मशरूम में हमारी कैलोरीज वो काफी कम होती है लेकिन फाइबर्स की अमाउंट काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी, कुछ विटामिन भी प्रेजेंट होती हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं। अब हम देखते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट की हेल्थ बेनिफिट कहाँ कहाँ है, इसके हेल्थ बेनिफिट कहाँ कहाँ है जिसकी वजह से हम इसे यूज करते हैं एज अ फूड सोर्स। मशरूम कंटेन अ प्रोटीन विटामिन मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। ये जो मशरूम होता है मशरूम में प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज कैन हैव अ वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल एंटीऑक्सीडेंट आर केमिकल दैट हेल्प द बॉडी एलिमिनेट फ्री रेडिकल्स। इसकी अगर हम हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी होती है उस बॉडी में से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब है उसे रिमूव करते हैं या फिर हमारी बॉडी से सिक्रीट आउट करते हैं। एंड फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो काफी टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। तो जो हमारी मेडिकल, जो जैसे अगर हम
ये जो कंपाउंड्स होते हैं फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। लेकिन जब हम मशरूम को अपनी डाइट में लेते हैं तो मशरूम में कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं हमारी बॉडी से इसको सिक्रीट आउट करते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है हमारे सेलेनियम, विटामिन सी एंड क्लोलाइन। ये कुछ हमारे एंटीऑक्सीडेंट, तीन हमारे एंटीऑक्सीडेंट है जो मशरूम में प्रेजेंट होते हैं। द फाइबर्स पोटेशियम एंड विटामिन सी इन मशरूम में कंट्रीब्यूट टू कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ये जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होती है उसमें फाइबर एंड फाइबर्स फॉस्फेट वो ये जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो जैसे हमारी कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है और जब जहां बात आती है हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की तो वहां पे मशरूम का इंटेक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। हेल्पफुल इसीलिए रहता है क्योंकि इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम प्रेजेंट होता है और विटामिन सी प्रेजेंट होता है। जो पोटेशियम एंड पोटेशियम कैन हेल्प रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। जो हमारे पोटेशियम होता है वो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है एंड दिस मे डिक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। जैसे जो हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं, उसको ओवरकम करने के लिए भी मशरूम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। दीज आर द सम एविडेंस ट्रस्टेड सोर्स दैट कंज्यूम अ टाइप्स ऑफ फाइबर्स कॉल्ड बीटा ग्लूकेन मे लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। बीटा ग्लूकेन अकर इन अ सेल वॉल ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ मशरूम। जो मशरूम होती है उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें बीटा ग्लूकेन प्रेजेंट होता है। जो बीटा ग्लूकेन होता है उसमें जो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करता है। द स्टेम ऑफ द सीटेक मशरूम इज गुड सोर्स टेस्टेड फॉर ऑफ बीटा ग्लूकेन। ये जो जो हमारी सी मशरूम होती है उसका उसकी जो स्टेम पार्ट होता है उसमें बीटा ग्लूकोन जो हमारी सीटेक मशरूम होती है उस सीटेक मशरूम के जो हमारा स्टेम पार्ट होता है उसमें बीटा ग्लूकेन प्रेजेंट होता है। मैनी वुमेन टेक द फॉलिकल एसिड एंड फॉलेट सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू बूस्ट अप द फीटल हेल्थ बट मशरूम कैन हेल्प इन प्रोवाइड द फॉलेट। देखिए जो कुछ जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो प्रेग्नेंट लेडी को अपने जो फीटल होता है ये जो अपना चाइल्ड होता है उसकी ग्रोथ कराने के लिए फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है तो जो फॉलिक एसिड होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा मशरूम भी फुलफिल करता है। नेक्स्ट मशरूम आर रिच इन विटामिन बी। ये जो मशरूम होता है वो अच्छा सोर्स होता है किसका, विटामिन बी का। इसके अलावा विटामिन टू का, इसे हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। इसके अलावा फ्लोरेट का, इसे हम कहते हैं विटामिन B9। इसके अलावा विटामिन B1, इसके अलावा B5 एंड B3। ये कुछ विटामिन्स होती हैं। मशरूम जो है मशरूम काफी अच्छा सोर्स होता है किसका, विटामिन बी का। इसके कौन कौन सी इसमें विटामिन्स प्रेजेंट होती हैं, विटामिन बी, विटामिन B9, विटामिन जो मशरूम होता है वो विटामिन बी का काफी अच्छा सोर्स होता है। और इसमें विटामिन के लिए विटामिन B2 प्रेजेंट होता है, B9 प्रेजेंट होता है, B1 प्रेजेंट होता है, B5 प्रेजेंट होता है एंड B3 प्रेजेंट होता है। ये जो मशरूम होता है वो विटामिन बी का काफी अच्छा सोर्स होता है। तो इसमें विटामिन B2 प्रेजेंट होता है, विटामिन B9 प्रेजेंट होता है, विटामिन B1 प्रेजेंट होता है, विटामिन B5 प्रेजेंट होता है एंड विटामिन B3 प्रेजेंट होता है। और जो विटामिन होता है, विटामिन हेल्प इन अ बॉडी टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड फॉर्म अ रेड ब्लड सेल्स। ये जो विटामिन बी होती है ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल रहता है। द नंबर ऑफ विटामिन B2 ऑल्सो अपीयरेंस टू बी द इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ ब्रेन। जो हमारी ब्रेन की हेल्थ होती है उसको भी
उसके लिए भी हेल्दी करता है, कौन, विटामिन B12, बी जो हमारे जो ब्रेन की हेल्थ को भी विटामिन बी काफी, जो हमारा ब्रेन होता है उसको हेल्दी रखने के लिए भी जो विटामिन बी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है. दीज आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रेजेंट इन अ मशरूम. फर्स्ट इज एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होती है हमारी 2.21.1. अगर हेल्थ डेली डाइट की बात करें तो ये रिकमेंड की जाती है डॉक्टर्स से. तो ये 1 कप ऑफ मशरूम में ये प्रेजेंट होती है इतनी 2.1, और अगर हम डेली की बात करें तो हमें एटलीस्ट इतना मशरूम इनटेक करना चाहिए. ऐसी विटामिन्स जैसे अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होती है 1 कप मशरूम में 21.1. प्रोटीन्स की बात करें तो 3.0. कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो प्रेजेंट होता है 3.1 इंक्लूडिंग 1.9 ऑफ सुगर्स. कैल्शियम की बात करें तो प्रेजेंट होता है 2.9. आयरन की बात करें तो प्रेजेंट होता है 0.5. ऐसी मैग्नीशियम 8.6, फास्फोरस 82.6, पोटेशियम 3305, सोडियम 4.8, जिंक 0.5, कॉपर 305, सीजियम 898.9, विटामिन सी 2.0, विटामिन डी 0.2, फोलेट 16.3, क्लोरीन 16.6 एंड नियासीन इज अ 3.5. मशरूम ऑल्सो कंटेन अ विटामिन बी, थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड विटामिन सी एंड विटामिन B12. दीज आर अ कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ मशरूम. नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिबल मशरूम की. जो एडिबल मशरूम होती है वो कौन सी होती है. एडिबल मशरूम आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर न्यूट्रिशन वैल्यू एंड दे आर ऑकेजनली कंज्यूम्ड फॉर देयर सपोज्ड मेडिकल वैल्यूज. जो एडिबल मशरूम्स होती हैं वो ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं क्योंकि इनकी इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी है. इसके अलावा जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी इनका काफी अच्छा रोल होता है. एडिबल मशरूम में डिफाइन टू क्राइटेरिया दैट इंक्लूड एब्सेंस ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड डिजायरेबल टेस्ट ऑफ अरोमा. एडिबल मशरूम इंक्लूड मैनी फंगस स्पीसीज दैट आइदर हार्वेस्ट वाइल्ड एंड कल्टीवेट. फर्स्ट एडिबल मशरूम इज द एगारस विस्पोरस, ऑल्सो नोन एज द वाइट कल्टिवेशन मशरूम. And this mushroom is grow on the compositional cereal straw and animal manure. This is the most extensive cultivated mushroom in the world. Around 3.38% of the world production of cultivated mushroom. मतलब जो world है अगर हम बात करें जो हमारी ये जो quite cultivated mushroom है इसका जो जिसको हम ग्रो कराते हैं इसका सीरियल्स स्ट्रॉ एंड एनिमल मैनक्योर पे. इसके अलावा जो इसका जो कल्टीवेशन है वो वर्ल्ड में काफी अच्छे अमाउंट में होता है. एटलीस्ट अगर हम बात करें तो 38% हमारे वर्ल्ड में कल्टीवेटेड मशरूम वाइट कल्टीवेटेड मशरूम को का प्रोडक्शन किया जाता है. नेक्स्ट है हमारी वॉल्वेरिया वॉल्वसिया. द चेंजेस ऑफ द पेडिस्ट्रो मशरूम वॉल्वसिया वॉल्वरीला वॉल. नेक्स्ट है हमारी वॉल्वरीला वॉल्वसिया मशरूम. इसे हम पेडिस्ट्रो मशरूम भी बोलते हैं. और इस ये जो मशरूम होती है इसका जो ग्रोथ होती है वो काफी हाई टेम्परेचर पे होती है. और इसमें इसको हम टिपिकल और ट्रॉपिकल एंड आइसोट्रॉपिकल रीजन में ग्रो कराते हैं. और ये मोस्टली चाइना और इंडिया में प्रेजेंट होती है. और इस ये वाली जो हमारी पेडिस्ट्रो मशरूम है इसका अगर हम ग्रोथ कल्टीवेशन की बात करें इसके प्रोडक्शन की बात करें तो ऑल ओवर जितनी भी हमारी मशरूम्स होती है उसका 60% ही ग्रो होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइजनस मशरूम की. पॉइजनस मशरूम कौन कौन सी होती है. पॉइजनस मशरूम्स लुक लाइक अ एडिबल मशरूम. ये जो पॉइजनस मशरूम्स होती हैं ये एडिबल मशरूम की तरह ही दिखती हैं इन अ मॉर्फोलॉजी. अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें
तो दोनों एकदम सेम दिखती हैं। एंड लाइफ लाइन हाउएवर दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ फॉलोइंग फीचर्स। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके कुछ फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले हमारा है ब्राइटली कलर फ्रूटी बॉडीज, नेक्स्ट है ग्रीनी स्टीनी ऑन गिल्स एंड येलो ग्रीन पोर्स, पिंक कलर स्पोर्स एंड गिल्स, प्रेजेंस ऑफ वॉल्वा एंड एनवल्स ऑन अ स्ट्रैक, ओजिंग ऑफ मिल्की एंड कलर टेक्सटाइल एट डैमेज पोर्शन, अनप्लीजेंट ऑर्डर। दीज आर द सम फीचर्स ऑफ पॉइजनस मशरूम। जो पॉइजनस मशरूम की जो ऑर्डर होती है वो काफी ज्यादा अनप्लीजेंट होती है। इसके अलावा जो उसके गिल्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, जो टाइम्स जो पोर्स होते हैं वो ग्रीन कलर्स के होते हैं। और इसके अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हमारे हैं एमनीता, ये हमारे दोनों एग्जाम्पल है पॉइजनस मशरूम के। तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में ये जाना कि मशरूम क्या होता है, मशरूम कितने टाइप्स के होते हैं और मशरूम की न्यूक्लिएशन वैल्यू क्या है। थैंक यू। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इससे रिलेटेड गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको हम कैसे ग्रोथ कराते हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज फॉलो ITLS अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन एंड ऑल्सो गेटेड ऑन गूगल प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ITLS अकेडमी। थैंक यू।